नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं आपके साथ नानकी कौर। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। इस खास सेगमेंट में बात करेंगे मुख्य अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्र और राज्य की कुछ खास खबरों की। इसके अलावा समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर नजर डालेंगे और बताएंगे आपको आज क्या खास है संपादकीय पृष्ठ पर। अंत में रोजगार से जुड़ी एक जानकारी भी आपको बताएंगे, तो बने रहिए कार्यक्रम के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से। नीदरलैंड में एक रेल हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है और करीब 50 लोग घायल हो गए हैं। हादसा मंगलवार सुबह हुआ जब एक ट्रेन निर्माण उपकरण से टकराकर पटरी से उतर गई। हादसे में घायल कई लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कपड़ों से सबसे बड़े बाजार बंगा बाजार में आज तड़के सुबह आग लग गई। यहां कपड़ों की 6,000 से अधिक दुकानें हैं। बताया जाता है कि 2 दर्जन से ज्यादा दुकानें अब तक खाक हो चुकी हैं। भारत को लेकर चीन ने बड़ा बयान दिया है। मंगलवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि भारत दुनिया की उभरती शक्ति है। यही नहीं, चीन ने नई दिल्ली के साथ संबंध बढ़ाने की बात भी कही। चीनी प्रवक्ता ने इस दौरान रूस से भी बेहतर और मजबूत संबंध बनाने का जिक्र किया। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय खबरों के। केरल में रविवार रात को कोझिकोड जिले के पास चलती ट्रेन में आग लगने के आरोपी की तलाश में 2 रेलवे पुलिस अधिकारी नोएडा पहुंचे हैं। सूत्रों की माने तो आरोपी नोएडा और हरियाणा का रहने वाला बताया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करने वाले चीन को भारत ने 2 टूक जवाब दिया है। भारत ने कहा कि नाम बदलने से हकीकत नहीं बदल जाएगी। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग था और आगे भी रहेगा। दरअसल चीन ने एक बार फिर से अरुणाचल से जुड़ी जगहों का नाम अपने नक्शे में बदल दिया है। दिल्ली शराब नीति घोटाला के आरोप में बंद पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को अभी भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 17 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। अब बात करते हैं हिमाचल की कुछ खास खबरों की। किरतपुर नेरचौक 4 लेन की सबसे बड़ी सुरंग बनकर तैयार है। उपमंडल श्री नैना देवी जी के कैंची मोड़ स्थित 1800 मीटर लंबी इस सुरंग में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैसों की मात्रा जानने वाले सेंसर लगाए गए हैं। सुरंग में वेंटिलेशन के लिए फैन, सुरक्षा के लिए टेलीफोन, कैमरे और अग्निशमन यंत्र भी स्थापित किए गए हैं। टनल में हाई मास्ट लाइट्स भी लगाई गई हैं। पर्यटन सीजन का आगाज मनाली में अप्रैल के अंतिम सप्ताह से हो जाएगा, लेकिन अभी से मनाली में पर्यटन सीजन के लिए होटलों की ऑनलाइन बुकिंग के लिए दुनिया भर में होड़ मची हुई है। जानकारी के मुताबिक अभी तक मनाली में होटलों की ऑनलाइन बुकिंग में करीब 50% तक इजाफा हुआ है। अपनी क्यूटनेस से हर दिल में जगह बनाने वाले अरुणोदय शर्मा देश की राजधानी में सुलभ समाज सेवा संगठन के राष्ट्रीय सेमिनार में स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाए गए थे। इस समारोह में इतनी कम उम्र में ये सम्मान पाने वाले शायद सुलभ इंटरनेशनल के इतिहास में सबसे युवा भी बन गए। अब बात करते हैं समाचार पत्र की खास खबरों की। लोकतंत्र प्रहरी सम्मान विधेयक को हिमाचल सरकार ने खारिज कर दिया है। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को सदन में पटल पर रखी गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट ने शहरी निकायों की पोल खोल दी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड प्रणाली के तहत कामकाज में वित्तीय धोखाधड़ी की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। अब आपको लिए चलते हैं संपादकीय पृष्ठ पर। जो कप में हर सुबह को लेकर पास आ जाती, उसी चाय के बाद में रात का सन्नाटा भरा है, इस लेख को आप चाय की नई सुबह शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक और भ्रामक रिपोर्ट डॉक्टर अश्विनी महाजन का लेख प्रताप सिंह पटियाला द्वारा लिखा गया लेख भी यहाँ छिपा है। छिलकों की छाबड़ी में विस्तार में जयते लेख आप पढ़ सकते हैं, जिसको लिखा है पी ए सिद्धार्थ ने। और अब अंत में रोजगार से जुड़ी एक जानकारी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में 200 पदों पर वैकेंसी निकली है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो ये नौकरी आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। इसके तहत जूनियर असिस्टेंट टाइपिस्ट के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जाहिर है मैं आज के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।